today is our topic in BSc Part 7, Paper 3, under the University of Rajasthan syllabus. There is a distribution and occurrence of the plant gymnosperm cycas. Generally, the cycas is most more volatile in distribution. Cycas सामान्यतः विश्वव्यापी पाया जाने वाला पौधा है, स्पेशली ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ वर्ल्ड, जो पूरा पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर मुख्यतः ये पौधा पाया जाता है. साइकस हैविंग जनरली 20 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर साइकस की 20 प्रजातियां पाई जाती है. ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? चाइना, जापान एंड हियर नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड सम आइलैंड. दीज आर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द प्लांट इन विच देयर इज अ साइकस प्रेजेंट इन द वाइड पोजिशन. इन सम एयर ऑल्सो Use is this decorative plant in garden. कहीं कहीं ये garden के अंदर आपके decorative plant के रूप में भी, सजावटी पौधे के रूप में भी लगाया जाता है. प्रोफेसर डी डी पंत इंट्रोड्यूस दे सिक्स इंडियन स्पीसी ऑफ साइकस. डी डी पंत नाम के वैज्ञानिक ने भारत में साइकस की 6 प्रजातियां जो सामान्यतः आसाम, सिक्किम, उड़ीसा, कर्नाटका, चेन्नई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. भारत में ये 6 मुख्य प्रजातियां जो इन इन मुख्य प्रदेशों के अंदर पाई जाने वाली का डीडी पंत नाम के वैज्ञानिक ने डिस्क्रिप्शन दिया. इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइकस सर
थ्री नेविस साइकस सरसी नेविस, ये प्रजाति लगभग 3 से 4 मीटर हाइट के पौधे के रूप में पाए जाने वाली प्रजाति है और जो मेगा स्पोरोफिल होते हैं इसके ये मेगा स्पोरोफिल इज जनरली लॉन्ग शेप, इसी जो मेगा स्पोरोफिल होते हैं वो लंबे लंबे पाए जाते हैं। इसके अंदर लगभग 12 ओयल लगते हैं। ये है डेकोरेटिव स्पीसीज के रूप में गार्डन में लगाई जाती है। ये भारत में आसाम आंध्र प्रदेश उड़ीसा जावा सुमात्रा में विशेष रूप से पाई जाती है। तो पहली स्पीसीज साइकस सरसिनेलिस, ठीक है। सेकेंड स्पीसीज इज साइकस वेडोलाई, साइकस वेडोलाई, साइकस वेडोलाई, ये सामान्यतः है आंध्र प्रदेश कालीकट एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये साउथ इंडिया ये विशेष इन इलाकों में पाई जाती हैं। सामान्यतः इन तमिलनाडु दे आर ऑल एट पेरिता, इसको तमिलनाडु में पेरिता के नाम से भी जानते हैं। इसका जो हैबिट होती है वो शब्द हैबिट होती है और इसकी जो पत्ती होती है 1 मीटर लॉन्ग लीफ इसकी देखी गई है। इसके पश्चात थर्ड स्पीसीज ऑफ द जीनस साइकस, दे आर नोन एज साइकस रोमफाई, साइकस रोमफाई, साइकस रोमफाई, ये जाती है प्रजाति अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर होता है, इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये भारत के बाहर बर्मा श्रीलंका मलेशिया ऑस्ट्रेलिया ये इन फोर देशों के अंदर मुख्यतः पाई जाती है। ये एवरग्रीन प्रजाति होती है और इसे भी डेकोरेटिव प्लांट के रूप में गार्डन में लगाया जाता है और इसकी हाइट भी 4 मीटर ऊंचाई तक देखी गई है। देन साइकस
व्यक्ति नेता। इसके बाद अगले प्रजाति है जिसे आप साइप्रस फैक्ट्री नेता के नाम से जानते हैं। ये विशेषकर नेपाल, बांग्लादेश, इजराइल, इंडिया में बहुतायत में पाई जाने वाली स्पीसीज है। भारत के अंदर भी विशेषकर मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, एंड बिहार के अंदर विशेषकर सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला जो हिल्स है, सोमेश्वर हिल्स हैं, उनके ऊपर बहुत और में पाई जाती है। ये लगभग 3.5 मीटर हाइट का पौधा होता है और यह जो अपेक्स होता है उसके ऊपर क्राउन के रूप में एक विशेष प्रकार की संरचना स्थित होती है, इसके रूप में ये विद्यमान होता है। नेक्स्ट साइकस रिवोल्यूटा, द नेक्स्ट फिफ्थ स्पीसीज नोन एज साइकस रिवोल्यूटा। ये सामान्यतः जापानी ओरिजिन की स्पीसीज है। देखिए जो पत्ती होती है वो इस प्रकार मुड़ी हुई होती है, रिवोल्यूट होती है, नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये 2 मीटर हाइट की होती है। इसे भी डेकोरेटिव गार्डन सजावटी रूप से ये गार्डन के अंदर लगाई रहती है। ये जापान, चाइना, ताइवान, जापान मुख्यतः पाई जाती है। भारत में फीमेल प्लांट बहुतायत में उगता है, मेल प्लांट सामान्य संख्या के अंदर कम उगता है। द सिक्स स्पीसीज साइकस सियामेंसिस, साइकस सियामेंसिस ये सागो पाम कहलाता है। ये इंडियन गार्डन के अंदर सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला होता है। ये बर्मा का ओरिजिन है, वहां से इसे लाया गया है। तो इस प्रकार ये 6 प्रजातियां हैं और सामान्यतः इन 6 प्रजातियों के बारे में एग्जाम करने शॉर्ट नोट आते हैं। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसी में।